नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हबीब और आप सभी का स्वागत है टेक्निकल हबीब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों फिर से एक नए कंटेंट, एक नए वीडियो के साथ और एक अमेजिंग वीडियो। दोस्तों कोई वीडियो कॉपी नहीं है दोस्तों यार। दोस्तों कभी कभी अपने वीडियो पर लाइक भी कर लिया करो यार, कभी कमेंट भी कर लिया करो, कभी सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार। बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए और ये जो खास वीडियो आपके लिए मैंने लेकर आया हूँ दोस्तों, बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है वीडियो आपको। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, मेरा जो ये लैपटॉप है दोस्तों, इसका जो कीपैड है, देखो कीपैड काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको इजीली आपको ये कीपैड कैसे आप अपने घर बैठे, इस भी जो लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों, आप कहीं नहीं जा सकते मार्केट पर लेके, आप अपने घर पे ही आप इसे रिपेयर कर सकते हैं बहुत ईजीली। देखिए यहाँ पे लैपटॉप का कीपैड मेरा काम नहीं कर रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे इसको यूज़ कर सकता हूँ। अभी इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे आपकी। दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों। इसका ही फायदा ये होगा कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरा एक कीपैड है जो यहाँ पे देखिए, इस कीपैड का जो एक काम नहीं कर रहा है, मैं यहाँ पे जो सिस्टम का जो कीपैड है उससे मैं यूज़ कर रहा हूँ, अपना लॉक खोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको वही चीज़ दिखा रहा हूँ दोस्तों। बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं जिनका जो कीपैड है जो ख़राब रहता है, वो कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। मेरा जो कीपैड जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुका है तो उसे मैं कैसे अभी रिपेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए जो कीपैड के नीचे एक वायर होता है, आप जानते होंगे वायर का एक सिस्टम होता है जो वहाँ पे लॉक रहता है, लॉक में फिट रहता है। यदि आप वो कीबोर्ड ऐसे करके आप यदि खोल ऐसे करके आप कीपैड तो अपना खोलते होंगे और नीचे एक वायर लगा होगा, वायर के लिए आपको वहाँ पे एक लॉक रहता है। वो लॉक को यदि आप लॉक उसे अनलॉक किया जाता है, अनलॉक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसे निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेरे गलती से यहाँ पे जो लॉक है वो लॉक टूट गया था दोस्तों, तो मैं इसे बहुत दिनों से यूज नहीं कर पा रहा था। तो ये यूट्यूब के लिए बहुत ही ज़रूरी था अभी लैपटॉप के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो ये मेरा वायर है, इसका लॉक जो यहाँ पे देखिए दोस्तों, वो लॉक यहाँ पे टूटा हुआ है, जो ये वायर यहाँ पे जुट नहीं पा रहा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप वायर आप इजीली आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया दोस्तों, यूट्यूब पे मुझे कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला कि मैं यूट्यूब से वीडियो देख के अपने जो ये कीपैड है उसे रिपेयर कर लूँ। तो मैंने खुद से अपना दिमाग लगाया, खुद से सोचा कि मैंने इसे किसे कैसे करना है। और जब मुझे अपने दिमाग पे लगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। तो मैंने रिकॉर्ड तो मैं अपना ये किया, तो साथ ही मैं वीडियो को अपलोड कर इसलिए कर रहा हूँ कि साथ यदि आपका ऐसा होगा तो आप भी इसे रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखिए मैं कैसे यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये जो वायर है यहाँ पे टूटा हुआ है, देखिए लॉक उसका नहीं है। तो मैं यहाँ पे उसे कैसे, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे सीधे ऐसे अंदर घुसाना है। लॉक रहता तो हम यहाँ पे लॉक डाल देते हैं ऐसे, क्योंकि लॉक टूटा हुआ। लॉक के लिए दोस्तों मैं जब शॉप गया था, सर्विस सेंटर गया था, वहाँ पे मेरे को बोले कि सिर्फ एक लॉक के लिए 500 रुपीज़ लगेंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं करवा लूँगा। जब मैं घर पे आया तो देखा यहाँ पे शॉटडाउन लॉकडाउन पड़ा हुआ है जो अपने कोरोना वायरस के लिए, तो मैं भी बाहर जाना मुश्किल है। तो मैं इसे घर पे ही रिपेयर कर रहा हूँ, तो साथ में इसलिए वीडियो भी बना रहा हूँ कि मैं ये आप तक पहुँचा सकूँ, कि आप भी ऐसे वीडियो देख के अपना भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो सॉल्व उसे कर पाएँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं अभी देखिए अपना नोटबुक खोला हुआ हूँ, यहाँ पे देखिए मैं कैसे अभी यहाँ पे ऐसे जो अपना वायर लगा के यहाँ पे मैं आपको चला के दिखाऊंगा दोस्तों। रियल मैं ये दिखा रहा हूँ इसलिए कि आपको विश्वास लगे कि हाँ मैं यहाँ पे काम चल रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे यूज हो रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से वो यहाँ पे वो काम कर रहा है दोस्तों। तो अभी मुझे वो वायर कैसे वहाँ पे सेट करना है, तो वही चीज़ आपसे मैं दिखाऊंगा दोस्तों। आप देखिए शायद थोड़ी सी वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है और बहुत ही जेन्युइन वीडियो है दोस्तों, कोई भी कॉपी वीडियो नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए एक छोटी सी चीज़ है सेलो टिप, और ये कोई मामूली सेलो टिप नहीं है दोस्तों। जो यहाँ पे जो हमारा लैपटॉप है जब हीट होता है तो सेलो टिप क्या होता है ना, वो चिपक जाता है। तो दोस्तों आपको एक ऐसा सेलो टिप लेके आना है, जब जाना है आपको इलेक्ट्रिसिटी जब शॉप जाना है तो वहाँ पे आपको बोलना है कोई एक ऐसा वो मिलता है एक जो अपना होता है जो यहाँ उसे आप हीट में भी लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बस सिंपल सा था, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। इसीलिए एक लॉक के लिए
₹500 ले लेते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे सोचा कि दिमाग लगाया कि मुझे यहाँ पे कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे सीधे से अपना वायर जो है जहाँ पे लगाना तो वहाँ पे लगा लिया, और बस मुझे अपना सेट कर लिया कि ऐसे करके ऐसे रहना है। तो उस जगह पर मैंने अपना जो ये सेलो टेप है वहाँ पर मैंने उसे चिपका दिया। तो वो अब वहीं पर जहाँ पर लॉक भी हम ऐसे ही लगाते हैं, वो चिपक के रहता है, बाहर निकलता नहीं है। अब मैंने यहाँ पे सेलो टेप लगा दिया है, अब वो चिपक के रह गया है दोस्तों, बाहर निकलने का सब बाल ही पैदा नहीं हो रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ पे सेलो टेप मैंने लगा के रखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं दोस्तों, रियल में मैं यहाँ पे कोई फेक नहीं बता रहा हूँ, कोई फेक ट्रिक नहीं बता रहा हूँ जो आपको ऐसा लगे कि मैं ट्वीट ट्रिक कर रहा हूँ। तो मैं आपको पूरा रियल दिखा रहा हूँ दोस्तों, रियल वीडियो है, इसमें कोई ज़्यादा एडिटिंग नहीं है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी यहाँ पर आपको दिखाऊँगा अभी कैसे कीबोर्ड यूज करके कीबोर्ड चला के दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे जो मैं नोटबुक रखा हूँ इसलिए कि आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे कीबोर्ड में यूज़ कर कीबोर्ड टाइप कर रहा हूँ तो वहाँ पे चल रहा है। पहले मेरा कीबोर्ड कुछ भी नहीं यूज हो रहा था, कुछ भी नहीं चल रहा था दोस्तों बहुत ही मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और शेयर करें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों, बहुत ही छोटा चैनल है दोस्तों, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, इससे मोटिवेशन मिलता है दोस्तों और नए नए कुछ वीडियो बनाने के लिए। यदि आपका जो भी डिमांड हो लैपटॉप के ऊपर, मैं वो वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, आपको ऐसे करके अपना जो कीबोर्ड है सेट कर लेना है, और यहाँ ऊपर जो आप जानते होंगे ऊपर तो लॉक है, आपको लॉक को ऐसे दबा लेना है, वो लॉक फिट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, मैंने पूरे लगभग 95% मैंने यहाँ पे इसे रिपेयर कर चुका हूँ दोस्तों। बस अभी हमें यहाँ पे देखना है टाइप करके, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा कुछ ये होगा वो भी ठीक हो जाएगा दोस्तों। अभी देखिए, मैं आप वीडियो को अब देखते रहिए, लाजमी पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे जूम नहीं कर पाया दोस्तों, मैं आपको जूम करके दिखा सकता था दोस्तों, क्योंकि उस टाइम मैं जूम नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही बिजी था। तो मेरे साथ मैं अकेला ही कर रहा था, कि मेरे साइड में कोई था ही नहीं जो जूम कर सके, तो मैं यहाँ पे जूम नहीं कर पाया दोस्तों। तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, अब देखिए अभी यहाँ पे जब मैं टाइप करूँगा दोस्तों, अभी वो टाइप अभी यहाँ पे टाइप होगा दोस्तों, यहाँ पे चलेगा जो भी मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, जो भी मैं यहाँ लिखूँगा। देखो यहाँ पे दोस्तों, देखिए यहाँ पे चल रहा है दोस्तों, आप गौर से देखिए स्क्रीन के ऊपर में, आपको पता चलेगा दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ दोस्तों, ऊपर देखिए यहाँ पे जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो टाइपिंग यहाँ पे हो रहा है दोस्तों, कीबोर्ड मेरा काम कर रहा है दोस्तों। आप भी अपना कीबोर्ड ऐसे इजीली आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, यदि आपका ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी सर्विस सेंटर जाने की दिक्कत नहीं है दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने घर बैठे आप अपने लैपटॉप को ईजीली आप कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा जो ये कीबोर्ड है वो सही तरीके से ये चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे काम कर रहा है दोस्तों, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे टाइपिंग हो रहा है दोस्तों, और बहुत इजीली ठीक हो गया दोस्तों, कुछ ज़्यादा भी नहीं, बस थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया दोस्तों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। तो वीडियो को मैं यहीं से वीडियो एंड करता हूँ दोस्तों, वीडियो पसंद